हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज यूनियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट दो लेक्चर से या लास्ट दो वीडियो से हम लोग पीपीसी पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा ये थर्ड वीडियो होगा और यही लास्ट वीडियो होगा। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है पीपीसी के, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये थोड़ा सा लंबा होगा बट इन डिटेल होगा, और हम जितने भी टॉपिक्स हैं सबको बेसिक से ही कवर करेंगे। सो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, शेप्स ऑफ पीपीसी, शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि आज जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करके ही मैं आप लोगों के साथ ही ये जो भी टॉपिक्स की डिटेल्स है वो मैं बोर्ड पे लिखूंगी। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है बोर्ड पे, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके अभी इसी वक्त बोर्ड पे लिखूंगी। बट इन टॉपिक्स पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीपीसी है, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी, हम जरा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। स्लोप ऑफ पीपीसी जो है वो है एमओसी या एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई टू गेन वन एडिशनल यूनिट, ओनली वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। सपोज हमने जो है वीट भी प्रोड्यूस किया और कॉटन भी प्रोड्यूस किया, तो वीट प्रोड्यूस करना मतलब जब हमने एक वीट प्रोड्यूस किया था तो हमने 10 कॉटन प्रोड्यूस किए थे, जब हमने दो वीट प्रोड्यूस किया तो हो सकता है हमने 7 कॉटन प्रोड्यूस किए। तो ये जो लॉस ऑफ यूनिट है, यहाँ तो यूनिट्स बढ़ गए वीट के, बट ये जो लॉस ऑफ यूनिट्स है जो 10 से 7 पे आया, मतलब 3 का जो लॉस हुआ, इन ऑर्डर टू गेन वन यूनिट ऑफ वीट, उसको हम एमओसी कहते हैं। एमओसी इज द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। एमआरटी जो है वो रेशियो है, एमआरटी जो है वो रेशियो है गुड्स और यूनिट्स ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेंड। एक बार बात करते हैं कि जो स्लोप है पीपीसी का, जो एमओसी है या एमआरटी है, वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग? तो जब हमने इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस, इस एमओसी का जो स्लोप है मतलब पीपीसी का जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसी के ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होगी, शेप्स, शिफ्ट्स, रोटेशन सब कुछ डिपेंडेंट होगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करे वीट के तो हो सकता है हमने 4 यूनिट्स ही कॉटन के प्रोड्यूस करे, और जब हमने 4 यूनिट्स वीट के प्रोड्यूस करे तो हमने 0 यूनिट कॉटन के प्रोड्यूस करे। अब मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया था तो इसके 10 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, फिर दो, तो इसमें क्या किया, हम एक एक यूनिट से बढ़ते गए, और यहाँ पे भी हमारे जो अमाउंट ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस है वो इंक्रीज होते गए। यहाँ जो अमाउंट ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, बट जो यूनिट सैक्रिफाइस हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। जो यूनिट जैसे 3 से 4 पे आए, 4 से 5 पे आएंगे, तो इसी तरीके से जो हमारे यूनिट सैक्रिफाइस हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो यूनिट गेन हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ज्यादा है तो जो हमारा एमआरटी है वो इंक्रीजिंग है। आप स्केड्यूल से देखिए तो जो हमारे फॉर एग्जाम्पल 0, 10, 1, 9, 2, 7, 3, 4, 4, 0, जब हमने 0 वीट प्रोड्यूस किया तो 10 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करे, जब हमने 1 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस किया तो 9 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करे। तो जब हम 1 पे आए तो 0 से 1 पे आने से कितना बड़ा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 की। वही जब हम 10 से 9 पे गए तो घटा कितना, 1। वीट से 2 यूनिट ऑफ वीट पे आए, और हम यहां से 1 ही क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि हमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, क्योंकि यहां लिखा है दैट टू गेन
दो पे आए तो कितना कम हुआ, वापस दो का कम हुआ। जब हम दो से तीन पे आए तो वापस बढ़ा एक, और 7 से 4 हुआ तो कम हुआ 3, और वैसे ही यहाँ पे हुआ 4। तो जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो बढ़ रहा है टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स विच इज वीट। तो क्योंकि सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमारा जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है, और न्यूमरेटर के बढ़ने से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो कांस्टेंट है विच इज 1। न्यूमरेटर के बढ़ने से हमारा जो एमआरटी है वो इंक्रीजिंग हो जाता है। सो इसी वजह से जो स्लोप ऑफ पीपीसी है वो है इंक्रीजिंग। जो रेशो है वो बढ़ेगा, जैसे हमने रेशो की बात करी थी 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, तो रेशो जो है वो बढ़ रहा है, इस वजह से जो स्लोप है पीपीसी का वो हमारा इंक्रीजिंग होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की। जो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी है वो इस कर्व से डिराइव होगी, वो इस एमओसी और एमआरटी से स्लोप से डिराइव होगी प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो पीपीसी की है वो इस डायग्राम के थ्रू, पीपीसी डायग्राम के थ्रू ही आप बता देंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन। तो जो पीपीसी है वो कॉनकेव है ओरिजिन से, बट ऐसा क्यों होता है? द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता है कि हमें कुछ यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना होता है टू गेन एडिशनल यूनिट, और ऐसे ही जो कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करते हैं वो हर एडिशनल यूनिट के साथ बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से जो हमारी शेप आई है वो कॉनकेव शेप आई है। इस शेप को हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करके भी देखा था स्केड्यूल के साथ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर को जाके अच्छे से देख सकते हैं कि हमने पीपीसी को कैसे ड्रॉ किया था। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉनकेव फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने पढ़ा कि हमेशा इंक्रीजिंग होता है पीपीसी के केस में। तीसरा जो पॉइंट है इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में बात करना चाहूंगी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है। जब किसी भी दो गुड्स में या जब किसी भी दो वेरिएबल्स में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, जब किसी भी दो वेरिएबल्स में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, मतलब जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है या दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। जब भी हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब पीपीसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों कहा गया है, अब हम वो बात करते हैं। जब हम एक गुड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जब एक गुड की क्वांटिटी या यूनिट्स बढ़ते हैं तो दूसरे गुड की क्वांटिटी या यूनिट्स जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक के साथ 0 के साथ 10 था, एक के साथ 9 था, तो जब हमने एक को बढ़ाया तो दूसरा जो है वो कम हो गया। यहाँ 7 था, यहाँ 2 था, एक बढ़ा दूसरा कम हो गया। तो जब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है तो हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इसका मतलब है कि जो पीपीसी है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन गुड द प्रोडक्शन यूनिट और द इकोनॉमी हैज टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दीज आर द फोर्थ फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन, कॉनकेव इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड है इंक्रीजिंग एमआरटी। थर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द
production of one good, the economy has to decrease the production of another good. Has to, मतलब करना ही पड़ेगा. Fourth is resources are fully and efficiently utilized, जिसको हम कहते हैं optimum utilization of resources. So these are the four properties of PPC. अब properties के बाद हम लोग बात करेंगे shape की, कि क्या PPC की सिर्फ concave shape ही होती है, क्या PPC straight line हो सकता है, या क्या PPC जो है वो convex shape का हो सकता है. तो अब हम बात करेंगे PPC की shape. तो हमें ये तो पता है कि PPC का जो शेप, जिसे हम कॉनकेव शेप कहते हैं, कॉनकेव शेप आता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रीजिंग एमओसी, ये हमें पता है. बट क्या कन्वेक्स हो सकती है? अब आप बताइए कन्वेक्स कब होगी? कन्वेक्स PPC की शेप तब होगी जब डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. मतलब जब हम एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कम होता रहेगा. चार से तीन पे आया, तीन से दो पे आया, दो से एक पे आया. इफ दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस केस में जो पीपीसी की शेप है वो इस तरीके से होगी, कन्वेक्स. दिस विल बी द शेप ऑफ पीपीसी इफ देयर इज एन डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब क्या पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है दिस गुड एक्स गुड वाई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. अब जो शेप ऑफ पीपीसी है, शेप, ये गाइस बात लर्न करने की है कि जो शेप ऑफ पीपीसी है वो डिपेंड करती है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो हमारा स्लोप है. तो स्लोप पे ही हमारा शेप डिपेंड करता है पीपीसी का. जब इंक्रीजिंग स्लोप था या जब इंक्रीजिंग एमआरटी था तो हमारा जो शेप था वो कॉन्वेक्स था. जब डिक्रीजिंग एमआरटी हुआ तो हमारा जो शेप था वो कॉन्वेक्स हो गया. सॉरी, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स. बट जब हमारा कांस्टेंट एमआरटी है, ना एमआरटी बढ़ रहा है ना एमआरटी कम हो रहा है, उस केस में जो शेप होगा पीपीसी का वो स्ट्रेट लाइन होगी. दैट मींस इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, द इकोनॉमी इज सैक्रिफाइसिंग एट द कांस्टेंट रेशियो. That means कि अगर यहाँ एक, यहाँ पे जब जीरो था यहाँ दस था, यहाँ एक आया तो यहाँ नौ आया, यहाँ दो आया यहाँ आठ आया, यहाँ तीन आया यहाँ सात आया, यहाँ चार आया यहाँ छह आया. तो एक यूनिट हम गेन कर रहे हैं, एक यूनिट हम माइनस कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. यहाँ फिर से हम एक यूनिट का गेन कर रहे हैं, यहाँ फिर से हम एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो हर जगह 1:1 का है. सो The ratio is constant. तो जब constant MRT होता है, जब constant MRT होगा, उस case में जो shape of PPC है, वो हमारा straight line होगी. तो अभी तक हम बात कर चुके हैं properties of PPC की, जो कि चार properties है, concave from the origin, increasing MRT, third है हमारा downward sloping, और fourth है optimum utilization of the resources. बात कर चुके हैं हम shapes की भी, कि concave shape कब होगी, हमारा कन्वेक्स कब होगी और कॉन्स्टेंट कब होगी. तीनों ही चीजें हमारी एमआरटी पे, जो कि स्लोप ऑफ पीपीसी है, उस पे डिपेंड करती है. अब हम बात करेंगे शिफ्ट कि क्या जो ये पीपीसी है, क्या जो ये पीपीसी है वो आगे शिफ्ट हो सकता है या वो पहले जा सकता है? क्या पीपीसी की शेप यहाँ पे और यहाँ पे जा सकती है? शिफ्ट का मतलब ये है, शिफ्ट कहता है कि क्या जो भी पीपीसी हमारा इकोनॉमी में पीपीसी है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव, तो क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है? क्या पीपीसी यहाँ हो सकता है या पीपीसी यहाँ हो सकता है? अब हम इसके बारे में बात करेंगे. रोटेशन कहता है, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, रोटेशन कहता है कि अगर सपोज ये पीपीसी है हमारा, तो क्या एक तरफ से ही सिर्फ गुड्स
सकता है या वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से। तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीसी कहता क्या है? पीपीसी कहता है कि हमारे पास मतलब इकोनॉमी के पास कितने रिसोर्सेज है और कितनी टेक्नोलॉजीज है, उन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके यूटिलाइज करके हम कितने वेरियस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स बना सकते हैं। तो इकोनॉमी जो है वो कहाँ कहीं पे भी ऑपरेट कर सकती है एक पीपीसी में। बट शिफ्ट ऑफ पीपीसी एक क्वेश्चन मार्क है इकोनॉमी के लिए कि क्या जो पीपीसी है वो शिफ्ट कर सकता है, क्या पीपीसी आगे बढ़ सकता है या क्या पीपीसी अंदर की तरफ आ सकता है। दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड, दिस इज राइटवर्ड, दिस इज लेफ्टवर्ड। तो क्या पीपीसी के लिए शिफ्ट करना पॉसिबल है? सो द आंसर इज अ बिग यस। पीपीसी के लिए शिफ्ट करना पॉसिबल है, चाहे वो राइटवर्ड हो चाहे वो लेफ्टवर्ड हो। बट पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा उसके कुछ रीजंस हैं। तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा पहला जब इकोनॉमिक ग्रो करेगी। सो व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके हमने कॉम्बिनेशंस बनाए जिसकी वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई है। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हुई है तो और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी। तो क्योंकि और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी तो जो पीपीसी है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट करेगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। एक चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो है कि सपोज इंडिया के पीपीसी यहाँ पे है, सपोज यूएस के पीपीसी यहाँ पे है, दोनों के पीपीसी में जो फर्क है कि इंडिया के पीपीसी यहाँ क्यों और यूएस के यहाँ क्यों, उसका रीजन है कि जो रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है प्लस द इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस का काफी ज्यादा है। इस वजह से जो पीपीसी है यूएस का वो बाहर की तरफ है और जो इंडिया का है वो यूएस से अंदर की तरफ है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स तो जब इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। या दूसरा, वेन देर इज एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से अगेन जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तीसरा है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही है, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो उस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी। तो क्योंकि वापस अगेन जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस है जैसे हम कहते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस वो हम ज्यादा कर पाएंगे यूजिंग द इंक्रीज रिसोर्सेज एंड इंक्रीज टेक्नोलॉजी। उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उस वजह से हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। सो दीज आर द रीजंस व्हाई द पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड और अपवर्ड। अब हम बात करते हैं कि क्या पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकता है, क्या पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है पीपीसी का। तो द आंसर इज ऑल्सो येस। बट कैसे? अगर कोई नेचुरल कलामिटी आ गई, कोई डिजास्टर हो गया तो उस वजह से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उस वजह से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाएगी। सो डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द पीपीसी कैन शिफ्ट लेफ्टवर्ड। दूसरा है डिजास्टर ऑफ रिसोर्सेज। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो डिक्रीज नहीं हो सकते बट वो डिप्लीट हो सकते हैं या उनका डिजास्टर हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि कोई नेचुरल कलामिटी आ गई, उस वजह से जो भी रॉक्स है या मिनरल्स है उन रिसोर्सेज का डिजास्टर हो गया तो उस वजह से जो हमारा इकोनॉमी है उसके जो रिसोर्सेज है वो कम हो गए, उस वजह से वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा।
टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट हो गई, मतलब पुरानी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले कंप्यूटर्स आते थे डब्बे वाले, फॉर एग्जाम्पल जो पहले कंप्यूटर्स आते थे डब्बे वाले, अगर इकोनॉमी इसी को यूज करती रहती तो इकोनॉमी या तो यहाँ पे होती या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती। बट इकोनॉमी जो है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही समझ लेती है, इंडिया जो है वो मिनी लैपटॉप्स लेकर आई, इंडिया जो है वो टच स्क्रीन पैड्स लेकर आई, टच स्क्रीन टैबलेट्स लेकर आई, टच स्क्रीन फोन लेकर आई। तो इकोनॉमी ने, इंडिया ने इवॉल्व किया फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि इंडिया ने इवॉल्व किया और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, इस वजह से इंडिया का जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट का। बट मान लीजिए कि कोई नेचुरल कलामिटी आ गई, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उस वजह से जो इंडिया के पास रिसोर्सेज है वो भी ऑब्सोलीट हो गए, खराब हो गए। तो सपोज इंडिया के पास सिर्फ ये डब्बे वाला कंप्यूटर था, तो ये डब्बे वाला कंप्यूटर भी ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। उस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक गई, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रुक गई, तो उस वजह से जो हमारा कर्व है, जो पीपीसी है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। सो दीज आर द रीजन व्हाई द पीपीसी कैन शिफ्ट टू राइटवर्ड एंड व्हाई द पीपीसी कैन शिफ्ट लेफ्टवर्ड, दीज आर द बेसिक रीजंस। सो अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी की। तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि शिफ्ट और रोटेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हमने शिफ्ट किया था पीपीसी का, चाहे वो राइटवर्ड हो चाहे वो लेफ्टवर्ड हो, तो हमने दोनों ही तरफ से एक्सिस को आगे बढ़ाया था या पीछे किया था, मतलब इधर भी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ था, इधर भी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ था लेफ्टवर्ड के केस में, और इधर जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था गुड वाई का, इधर जो प्रोडक्शन है गुड एक्स का इंक्रीज हुआ था राइट वर्ल्ड के केस में। बट जब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी की, तो रोटेशन ऑफ पीपीसी कहता है कि या तो सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज है, गुड वाई की प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, या फिर गुड वाई की प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, गुड एक्स की जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ एक ही गुड की प्रोडक्शन होना पॉसिबल है? So the answer is a big yes. एक ही गुड का प्रोडक्शन में इंक्रीज होना इज पॉसिबल। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जांपल। सपोज हमारा गुड एक्स जो है वो व्हीट है और गुड वाई जो है वो क्लोथ्स है। नाउ क्योंकि हमारा गुड एक्स व्हीट है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे इकोनॉमी में ट्रैक्टर्स का इनोवेशन हुआ, हमारे इकोनॉमी में पेस्टिसाइड्स का इनोवेशन हुआ, हमारे इकोनॉमी ऐसे और कुछ टूल्स का इनोवेशन हुआ जो फार्मिंग के लिए बेनिफिशियल है। जब इन टूल्स का, इन ट्रैक्टर्स वगैरह का इनोवेशन हुआ, दैट मीन्स हमारे इंक्रीज इन रिसोर्सेज हुए एंड इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी हुए। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये जो रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजीज है क्लोथ्स की प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल है? क्या ये जो ट्रैक्टर्स है, पेस्टिसाइड्स है, टूल्स है, वो क्लोथ्स की प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल है? क्या हम क्लोथ्स की प्रोडक्शन यूजिंग दीज रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं? सो द आंसर इज नो। बट क्या हम व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? आंसर इज यस। तो जब एक गुड के रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होता है, तो वो उस गुड का जो ग्राफ है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब इंक्रीज होंगे रिसोर्सेस तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब डिक्रीज होंगे रिसोर्सेस तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। इस केस में हमारा जो ओरिजिनल कर्व था, पीपीसी था, वो ए बी था। बट क्योंकि हमारे ये सारे रिसोर्सेस जो है वो इनोवेट हुए, तो इसीलिए हमारा रिसोर्स बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, और इसी की वजह से हमारा जो कर्व का शिफ्ट है वो राइटवर्ड हुआ। सो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। सपोज ये सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाता है, सपोज सब कुछ खत्म हो जाता है, नेचुरल कैलामिटी आ गई, सब चला गया, तो अब जो ग्राफ है वो बीडी हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिनल कर्व का। अब हम बात करते हैं गुड वाई की। एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, व्हीट और क्लोथ्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे मशीनरीज आ गई जो वीविंग के लिए यूजफुल है, जिससे हम अच्छे से मतलब क्लोथ्स की कटिंग कर सकते हैं, हैंडलूम वर्क जो है वो अच्छा हो जाए,
मतलब हमारा जो हैंडमेड है वो ना रह के मशीन मेड हो जाए। जब मशीन मेड हो गया तो इसका मतलब इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी हो गई और इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो गए। इस वजह से बट अंडरस्टैंड कि यार हैंडलूम जो मशीन यूज हो रही है हैंडलूम के लिए वो वीट की प्रोडक्शन में बेनिफिशियल है, नहीं है, वो सिर्फ क्लोथ की प्रोडक्शन में ही बेनिफिशियल है। तो क्योंकि वो क्लोथ की प्रोडक्शन में बेनिफिशियल है तो वो क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी और वीट की जो प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। जब क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बट सपोज किसी नेचुरल कलामिटी की वजह से ये मशीनरी वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गए, तो जब ये मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई तो जो क्लोथ की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और इस वजह से जो कर्व है वो BA से BD हो जाएगा। और जो जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो जो कर्व है वो BA से BC हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ PPC। मैंने नोट्स में लिखे इसी वजह से ताकि मैं आपको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ इसको समझा सकूं। हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, चार प्रॉपर्टीज होती है। शेप्स की बात करी थी, तीन शेप्स होती है। हमने शिफ्ट्स की बात करी थी, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, दोनों के ही तीन तीन रीजंस हैं। हमने रोटेशन की बात करी थी कि एक रोटेशन गुड एक्स से पड़ा, हमने एक रोटेशन गुड वाई से पड़ा। दोनों का एक ही रीजन है कि जब कोई भी इंक्रीज हो रिसोर्स में या इंक्रीज हो टेक्नोलॉजी में या फिर डिक्रीज रिसोर्स हो और डिक्रीज ही टेक्नोलॉजी हो किसी भी एक गुड का, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, तो वो एक ही गुड के कर्व को अफेक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने फर्स्ट लेक्चर में PPC के बारे में बात करी थी, हमने सेकंड लेक्चर में स्लोप पढ़ा था, कॉम्बिनेशंस पढ़े थे कि क्या PPC जो है, सपोज एक कर्व बनाया हमने, कब PPC इस पॉइंट पर लाई करेगा, क्या PPC बाहर, क्या कोई भी पॉइंट PPC के बाहर लाई कर सकता है और क्या कोई भी पॉइंट PPC के अंदर लाई कर सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम फीजेबल पॉइंट्स कहते हैं, इसको हम अटेनेबल पॉइंट्स कहते हैं। बट जो ये वाला पॉइंट है दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इस पॉइंट को हम नॉन फीजेबल पॉइंट या अनअटेनेबल पॉइंट कहते हैं। बट इसका रीजन क्या होता है कि जो अंदर वाला पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन। ये जो मिडल वाला जो मतलब जो PPC पे पॉइंट है वो यूटिलाइज कर रहा है फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो बाहर वाला पॉइंट है उसको तो हम अटेन ही नहीं कर सकते, तो वो कुछ डिनोट ही नहीं कर रहा बेसिकली। तो दिस इज ऑल अबाउट PPC गाइस। आई होप द डाउट्स आर क्लियर, आई होप इट इज इन डिटेल, एंड आई होप यू गेट ऑल ऑफ द स्टफ दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। थैंक यू सो मच।